गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी बेटी की वजह से, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। तो ये छोटी बेटी है मेरी और बेटा मेरा बड़ा है। जो जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ डॉक्टर के पास, इसे लेके आई हूँ। इस पर लग रहे हैं इंजेक्शन। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है और क्या उसको साथ अभी तक कंडीशन हुई है। तो अभी यहाँ पे ये मायके का सीन है, तो यहाँ पे मैं अभी तैयार हो रही हूँ। और ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये देखिए यहाँ पर, और ये मेरी बहन का बेटा है छोटा वाला। तो ये तैयार हो गए हैं, यहाँ पे गेट में खेल रहे हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से थोड़ा बहुत हरकतें करती जा रही है, थोड़ा खेल लेती है, थोड़ा उसी टाइम रोज आती है, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार और ये मेरी दीदी की लड़की है जो अभी आप देख रहे थे, तो ये भी मेरे साथ में चलेगी क्योंकि मैं रहती हूँ अकेले। और साथ में तो कोई बड़ा जना चाहिए ही होता है, तो बड़ा तो कोई साथ में है नहीं, मम्मी पापा इधर रहते हैं। तो जो मैं हूँ, मैं अकेले रहती हूँ अपने बेटे के साथ, और मुझे चाहिए था थोड़ा बहुत साथ किसी का। तो मैं अपनी बेटी की अपनी दीदी की लड़की लेके जाऊँगी साथ में। मैंने कहा थोड़ा बहुत ये हो जाता है ना, कोई साथ में है तो बहुत आराम मिल जाता है, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं होती है। दो बच्चे हैं तो उसको भी देखना है, उसका भी स्कूल खुलने वाला है 4 तारीख से। और ये जो बेटी है ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मेरे बस का बिल्कुल नहीं हो पा रहा था देखने। तो इसलिए अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अब मैं घर पहुँच जाऊँगी और मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी मैं अपने कमरे पे पहुंच चुकी हूं और बेटा मेरा चला गया है खेलने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इवनिंग की चाय। शाम हो चुकी थी, शाम की यानी कि 5:30 बज चुके थे। और दीदी की लड़की है वो अपना फ्रेश हो रही है, तो मैंने कहा तब तक फ्रेश हो जा, मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना लूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे काम है और मुझे अकेले करने हैं, देखती हूँ कब हो पाता नहीं हो पाता है। वैसे तो आज डेट हो चुकी है 4 तारीख, ये ब्लॉग आज आपको चला जाएगा और मैंने आज ही इसको एडिट किया है, क्योंकि 4 तारीख आज मेरे बेटे का स्कूल था। तो अभी मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया है। और ये देखिए, साथ ही साथ मेरे काम करने पे लगी रहती है किचन में। इसको मैंने स्लैब में बिठा दिया है और यहाँ पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। शाम को जब हम कहीं से भी आते हैं ना, तो अपने घर में जब तक थोड़ा सा चाय ना पी ले तो मन बिल्कुल नहीं मानता है। तो वही मेरे साथ भी होता है, मैं पहले जब घर में आ जाती हूँ ना तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। और इसे देखिए, ये मांग रही है चीनी, बोल लेती है अब साफ साफ कि मम्मा चीनी दो चीनी दो। तो यहाँ पे ये डिब्बा जो है वो खाली हो चुका है, इसमें थोड़ी सी चिपकी हुई थी तो मैंने इसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा ले लेके तब तक खेलती रहेगी इसमें, और चाय यहाँ पर भी उबलती रहेगी। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रही है, जैसे किसी भी चीज़ की जिद करने लग जाती है। अगर चीनी का मैं डब्बा निकालूंगी ना तो बोलेगी चीनी ही मुझे दे दो, कि बिस्किट निकालूँ तो बिस्किट दे दो, कि मतलब थोड़ी थोड़ी बात की जिद बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। और इस तरह के बच्चों का स्वभाव होता ही है, क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी है कि उसे जिदपन थोड़ा बहुत होगा ही। तो यहाँ पर बन चुकी है गर्मा गर्म चाय, तो यहाँ पर मैं दोनों कपों में लगा दूँगी, एक अन्नू के लिए एक मेरे लिए। बेटा श्याम को आएगा तो उसे श्याम को चाय दूँगी, और जो दूध है वो मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी थोड़ा इस बोतल में, क्योंकि हमारा जो दूध है वो शाम को 8 बजे आएगा। तो मैंने कहा तब तक कौन रुक पाएगा, तब तक तो हमें चाय पीनी है, इसलिए तो यहाँ पे हम पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय और बिस्किट खाने के लिए। इसका
का जो दूध है वो बिल्कुल छूट गया है। पहले निप्पल की सहायता से दूध पी लेती थी, लेकिन अब दूध पीना बिल्कुल बंद हो गया है, तो इसलिए मैं इसे कटोरी में डाल के दे रही हूँ चाय। मैंने कहा चलो निप्पल से नहीं पिएगी तो कटोरी से ही पी लेगी, चम्मच से पिएगी, किसी से तो पिएगी, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है। मैं इसे दिन भर में या कटोरी से, गिलास से कुछ ना कुछ करके देती रहती हूँ, क्योंकि निप्पल ये बिल्कुल नहीं लगा रही है। या तो इसे मेरा दूध चाहिए या फिर इसे इसी तरह से कटोरी में चाहिए। और इसके बाद मुझे जाना है अभी मार्केट, तो मार्केट जाने के बाद मैं यहाँ पे बुक्स तो मैं नहीं लेके आई हूँ, लेकिन मैं नोटबुक लेके आ गई हूँ और थोड़ा जिल्द वगैरह लेके आई हूँ बेटे के लिए, क्योंकि उसका स्कूल था तो उसने बोला मम्मी मुझे स्कूल में वर्क वगैरह मिलेगा, तो मैंने कहा चलिए नोटबुक लेके आ जाते हैं। इसके बाद ये जो दीदी की लड़की है ये लगा रही है इसमें स्टेबलर, और बेटी मेरी सो चुकी है इस टाइम पर, 8 बज चुके हैं, तो 8 बजे आज जल्दी सो गई क्योंकि दिन में नहीं सोई थी, तो मैंने कहा अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो उठी रहती तो इनको कुछ भी काम नहीं करने देती। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट रहता है किताब कॉपियों का, जिल्द वगैरह लगाने का, ये नेम स्लिप लगाने का, तो वही मेरा बेटा देख के कर रहा है। और यहाँ पे अभी मैंने दिया बिल्कुल नहीं जलाएगा, दिया नहीं जलाया है, यानी कि 8 बज चुकी है, और इसी काम को करते करते मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मैंने सबसे पहले वहाँ से आके हाथ मुँह धोया है, दिया बाती कर दी है, और उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है दिया जलाने का, क्योंकि कहीं से भी आओ तो मैं भूलती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पर दीदी की जो लड़की है अनु ने यहाँ पे सब्जी काट के रख दी थी, प्याज कट करके रख दिया था, लहसुन टमाटर सब कट के रख दिया था, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि जब तक मैं आती हूँ तब तक इतना कर लेना, थोड़ा बहुत जो हल्के फुल्के बर्तन हैं वो उसने धो के रख दिए थे, इतना मेरा काम आसान हो गया था। तो उसको ला के मेरा बहुत काम आसान हो गया, बहुत सारा मिल जाता है ना, दूध उसने ले के रख दिया था। तो यहाँ पर मैं निकाल लूँगी अभी पतीली बाहर, और मुझे अभी करना है दूध गर्म, बाकी जो किचन के काम है वो मैं ही करती निकाल लूँगी धीरे धीरे से। दीदी की लड़की का बहुत ज़्यादा सहारा मान रही हूँ, वैसे तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मुझे ही सब कुछ देखना होता है, लेकिन उसके छोटे मोटे जो काम है ना बहुत सहारा दे जाते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की घर में ज़रूर होनी चाहिए, या तो बड़ी हो, क्योंकि बड़ियों का सहारा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा अभी तेरी छुट्टी पड़ी हुई है, तब तक फ़िलहाल मेरे साथ रह जा, थोड़ा बहुत काम कर लेना, और जब स्कूल खुलेगा तो चले जाना के। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जी मैंने धो के रख दी है अभी प्लेट में, और अभी ये देखिए मिष्टी देखिए कितने प्यार से यहाँ पे सो रही है, और इसके जो चेहरा आप देख रहे हो ना, आज थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल देखने लायक नहीं था, बहुत धब्बे पड़े थे, लाल लाल से जो दाने हैं ना वो उसके मुँह पर पूरे निकल आए थे। और यहाँ पर ये देखिए मेरी जो दिया है वो भी जल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि फ़ैन आजकल चल रहा है ना, तो इसकी वजह से मैंने हल्का कर दिया था फ़ैन, ताकि मैंने कहा ये बुझे ना। और आप लोगों के साथ मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा चलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो इसके जो पूरे शरीर में बारीक बारीक से एक तो दाने निकल रहे थे, उन दानों का कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है ये, और पूरा जो मुंह है वो एकदम लाल हो रहा था, आँखों के अगल बगल बिल्कुल रेसेस हो गए थे, और पूरे शरीर में भी बारीक बारीक दाने। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो मैंने ब्लॉग वगैरह बनाना सब बंद कर दिया था। मैंने कहा ध्यान तो पूरा बच्चों पे ही जाता है ना, तो फिर मतलब सूट करने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो आज जब इसको तीसरा इंजेक्शन लग चुका है तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक लग रही है। डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि एलर्जी है, लेकिन कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो इस वजह से जब इसमें तीसरा इंजेक्शन लगा है, इसको थोड़ा मुझे लग रहा है आज आराम है, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। मैंने कहा चलिए मैं 2-4 बातें भी आप लोगों से कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे बातों बातों में सब्जी मैंने छोंक दी है, सब्जी को मैंने कम आंच करके रख दिया है, और साथ ही साथ मैंने छोटे वाले गैस में रख दिया है दूध, इसको भी मैंने कम आंच करके रख दिया है, तो दोनों पकते रहेंगे। और यहाँ पे जो भी दूध के बर्तन है, जो भी थोड़ा बहुत बर्तन हो जाते हैं, उनको मैं फटाफट से धो के किनारे रख लूँगी।
और अभी अन्नू जो दीदी की लड़की है और हन्नी है वो लगा रहे हैं जिल्द, तो यहाँ पे मैं आराम से किचन में काम करे जा रही हूँ और बेटी सो रखी है, तो इस तरह से मज़ा आता है जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो तो छोटे छोटे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो उन्हें मैं बोल रही थी हल्ला मत करना कि आराम आराम से अपनी कॉपी किताबों में जिल्द लगाओ, और नहीं तो मिष्टी उड़ जाएगी तो फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, वो कुछ करने नहीं देगी। तो यहाँ पर मेरा फ़िल्टर भी खाली हुआ पड़ा था, यानी कि इसमें पानी बहुत कम था, तो मैंने इसमें पानी डाला है डब्बे से भर के, और ताकि इसमें नीचे से निकालने में आसानी रहती है। यहाँ पे आटा भी मैं फटाफट से गूंद लूँगी, क्योंकि जब तक दूध गर्म हो रहा है सब्जी बन रही है, तो मैंने कहा मैं खाली क्यों रहूँ, मिष्टी उड़ गई तो फिर कुछ करने नहीं देती है, तो साथ ही साथ मैं लगा लूँगी आटा। के रख दिया है अलग से, और यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जी को भी पलट दूंगी कि सब्जी किस तरह से बनी है। यहाँ पे पहले क्लीन कर लूँगी, आटा वाटा गिर जाता है ना, तो सबसे पहले सफाई ज़रूरी है। तो कपड़ा मैंने लगा लिया है चारों तरफ, और इसके बाद देख रही हूँ मैं सब्जी, तो सब्जी में थोड़ा बहुत कसर है, तो यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा तेज़ कर दी है आँच, क्योंकि जो बीन्स की सब्जी है ना वो पहले कम आँच में और उसके बाद एकदम तेज़ आँच कर दो ना तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी। और यहाँ पे दो चार बर्तन थे तो उनको मैं धो के अलग से टब में रख दूँगी, और अभी चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर देखती हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए मिष्टी यहाँ पे उड़ चुकी है, जैसे ही रोई है ना तो मम्मा मम्मा चिल्ला रही थी, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और ये जो है कचरा डालने पे लगा हुआ है बेटा। और यहाँ पे अनु देखिए अभी इसकी जिल्द लगी हुई नहीं है, मतलब अभी काफ़ी लगाने के लिए हैं, तो मिष्टी भी बीच में उड़ गई थी। वैसे आधा मेरा काम पूरा हो चुका था, आधे से ज़्यादा, और यहाँ पर मैं इसे खेल में लगा रही हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं लग रही है, तो मैंने उसे पहले सुला दिया था। अभी हमारा खाना खाने के लिए यानी बन चुका था लेकिन खाया नहीं है, तो इसकी जो नोटबुक है इसमें अभी नेम लिखना बाकी है, बाकी तो सारा काम इन बच्चों ने कर दिया था, ओनली नाम लिखना बाकी है। तो नाम मैंने कहा मैं ही लिख दूंगी, उसके बाद उसे पता लग जाएगा कौन कौन सी मेरी नोटबुक है, कौन से सब्जेक्ट की है। तो यहाँ पे इतना ही है। तो मिष्टी सो गई है बड़े प्यार से, हन्नी और अनु अब टीवी देख रहे हैं, अभी हम खाना खाएंगे। तो रात के आज 10 बज चुकी हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है। वैसे तो हम 9 बजे तक कर लेते हैं डिनर, लेकिन आज नोटबुक की वजह से काफ़ी लेट हो चुका है, और हम आए भी थे तो इस वजह से काफ़ी काम बढ़ चुका था। तो चलिए फिर मैं अपनी ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।